हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के सेशन 7 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस मींस उद्यमिता का विकास करने की प्रक्रिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेनर्स। ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक उद्यमी की योग्यता और ज्ञान को बढ़ाया जा सके। इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम। ये एक फॉर्मल तरीके से भी और एक इनफॉर्मल तरीके से भी की जा सकती है। इन द फॉर्मल लर्निंग सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम फॉर्मल लर्निंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमशीलता की योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स जैसे कि ट्रेनिंग और लर्निंग सिस्टम कंडक्ट करे जाते हैं, जिससे कि ये जानकारी एंटरप्रेनर के पास पहुंच सके। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स। इस सेशन के अंदर हम कुछ सफल उद्यमियों के उदाहरणों के द्वारा हम एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस को सीखेंगे। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेनर्स एंड देन यू कैन आल्सो मेक एन असेसमेंट ऑफ वेदर यू आल्सो पोसेस दोज क्वालिटीज। इसके द्वारा आप एक अच्छे उद्यमी के गुणों को समझ सकेंगे और फिर आप खुद असेस कर पाएंगे, पहचान सकेंगे कि क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। सो शुरू करते हैं स्टोरी। प्रेम गणपति द डोसा वाला। प्रेम गणपति इज आल्सो नोन एज द डोसा वाला इज द ओनर ऑफ द फेमस फूड चेन डोसा प्लाजा। प्रेम गणपति एक डोसा वाला नाम से बहुत फेमस पर्सन है जो कि डोसा प्लाजा नाम की एक फेमस फूड चेन चलाते हैं। डोसा प्लाजा करंटली हैज 26 शॉप्स। डोसा प्लाजा की 26 दुकानें हैं। इसकी 150 एम्प्लॉयज हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपये हर साल कमाते हैं, बनाते हैं। प्रेम स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस। तो प्रेम गणपति जो डोसा वाला है उनकी स्टोरी के हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे सफलता पाई। व्हेन ही केम टू मुंबई, जब वो मुंबई आए तो प्रेम के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उनका कोई मित्र नहीं था। एंड डिड नॉट नो द लैंग्वेज, और वो ना ही वहाँ की भाषा को जानते थे। ही स्ट्रगल्ड इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने मुंबई में कई सालों तक संघर्ष किया। ही वॉश्ड प्लेट्स एंड कप्स, क्लीन्ड टेबल्स एंड सर्व्ड टी एट डिफरेंट शॉप्स। उन्होंने प्लेट और कप धोए, टेबल्स साफ करी और चाय भी सर्व करी अलग अलग दुकानों पर। ही इवन स्टार्टेड ए बिजनेस विद समवन ड्यूरिंग दिस टाइम बट द पार्टनरशिप फेल्ड। उन्होंने एक बार किसी के साथ मिलकर के एक बिजनेस, एक व्यापार भी शुरू किया पर वो पार्टनरशिप फेल हो गई। प्रेम हैड सेव्ड सम मनी। प्रेम ने कुछ पैसे बचाए थे एंड वॉन्टेड टू स्टार्ट द डोसा शॉप। तो उसके बाद वो एक डोसा शॉप उससे शुरू करना चाहते थे। ही आस्क्ड हिज ब्रदर, उन्होंने अपने भाई से पूछा, एंड अंकल फॉर ए स्मॉल लोन टू सेट अप ए स्मॉल डोसा स्टॉल नियर ए रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपने भाई और चाचा से पूछा एक छोटा सा डोसा का स्टॉल लगाने के लिए रेलवे स्टेशन के पास, तो उनसे उन्होंने थोड़ा सा कर्ज भी लिया। एट द रेलवे स्टेशन देयर लॉट ऑफ पीपल केम बट डिड नॉट हैव मैनी ऑप्शंस फॉर टेस्टी फूड। रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग आते हैं परंतु उनके पास एक अच्छा खाना खाने की कोई ऑप्शन नहीं होती। हिज कस्टमर्स प्रेज्ड हिज फूड, उसके जो ग्राहक थे उन्होंने उसके खाने की तारीफ करी। एंड ग्रेजुअली ही हैड कस्टमर्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू, और जल्दी ही उसके कस्टमर्स दूर दूर से भी आने लगे। एज ही स्पोक टू हिज कस्टमर्स, जब वो अपने कस्टमर से बात करता, ही फाउंड आउट दैट हिज कस्टमर्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डोसास। उसने पाया कि उसके जो ग्राहक हैं वो अलग अलग तरह के डोसा पसंद करते हैं। ही हैड वर्कड इन ए चाइनीज किचन अर्लियर, उसने पहले एक चाइनीज किचन में भी काम किया था। एंड न्यू हाउ टू मेक टेस्टी चाउमीन, और उसे पता था कि एक स्वादिष्ट चाउमीन कैसे बनाते हैं। एंड अदर चाइनीज आइटम्स, और अलग अलग चाइनीज आइटम्स भी उसे पता थी कि कैसे बनाई जाती हैं। दिस गेव हिम एन आइडिया टू इन्वेंट न्यू टाइप ऑफ डोसास विद चाइनीज फ्लेवर्स लाइक अमेरिकन चॉपसी, पनीर चिल्ली, स्प्रिंग रोल, डोसा एटसेट्रा। तो इससे उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना डोसा के अंदर चाइनीज फ्लेवर दे दिया जाए, जैसे कि अमेरिकन चॉपसी, पनीर चिल्ली, स्प्रिंग रोल डोसा एटसेट्रा। मुंह में पानी आ गया क्या? नहीं तो अब और आ जाएगा। द 108 टाइप ऑफ डोसास ऑन हिज मेन्यू गॉट हिम ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी। तो उसने जो ये चाइनीज फ्लेवर लगाए उससे 108 तरह के डोसा उसने अपने मेन्यू के अंदर इंक्लूड कर लिए।
देन ही टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज लाइफ, और फिर उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया एंड ओपनड ए न्यू शॉप नियर ए स्टेशन, और फिर एक स्टेशन के पास एक नई दुकान स्टार्ट करी और नाम दिया इसका डोसा प्लाजा। डोसा प्लाजा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डोसा शॉप्स इन मुंबई। डोसा प्लाजा मुंबई की एक बहुत फेमस प्रसिद्ध डोसा शॉप है। फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस? इस स्टोरी से तुम्हें क्या पता लगा कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं? तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाए भी गए हैं। स्टार्ट करते हैं बिजनेस आइडिया के साथ। द फर्स्ट स्टेप इज टू कम अप विद ए बिजनेस आइडिया। सबसे पहला स्टेप है कि आप एक बिजनेस आइडिया के साथ आएँ। ए बिजनेस आइडिया कुड बी बेस्ड ऑन, ये जो बिजनेस का आइडिया है वो किसके ऊपर बेस कर सकता है? समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, जैसे कि तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग डोसा, जैसा कि प्रेम का मेकिंग डोसा डोसा बनाने में इंटरेस्ट था। ए नीड यू सी इन द मार्केट, एक जरूरत मार्केट के अंदर आप देखो। फॉर एग्जाम्पल टेस्टी फूड नेक्स्ट टू द स्टेशन, जैसे कि स्वादिष्ट खाना स्टेशन के पास। तो ये आइडिया, बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में आया। नेक्स्ट गेटिंग मनी एंड मटेरियल टू स्टार्ट। सो वंस यू हैव द आइडिया यू कैन स्टार्ट ऑन ए स्मॉल स्केल। जैसे ही आपको एक आइडिया मिले आप एक छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हैं विद सम मनी, कुछ पैसों के साथ, विच विल हेल्प यू इन बाइंग बेसिक मटेरियल, जिससे कि आप बेसिक मटेरियल एक अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खरीद सको। थर्ड ऑप्शन आती है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। वंस यू स्टार्ट सेलिंग, जैसे ही आप बेचना शुरू कर दो, यू विल फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर लाइक्स, कि तो आपके ग्राहक कस्टमर क्या पसंद करते हैं एंड वॉन्ट्स, और क्या चाहते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर डज नॉट लाइक ड्यूरिंग दिस स्टेज, और आप ये भी जान सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या चीज़ पसंद नहीं है इस स्टेज के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन आती है इम्प्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विस। यू कैन यूज़ दिस नॉलेज ऑफ वट योर कस्टमर लाइक्स, आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है एंड डज नॉट लाइक, उन्हें क्या पसंद है, टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेम्स कस्टमर लाइक वेराइटी, जैसे कि प्रेम के जो कस्टमर थे उन्हें वेराइटी चाहिए थी, अलग अलग तरह के डोसा चाहिए थे, जिसके बेस पर प्रेम ने 108 तरीके के डोसा बनाने शुरू करे। तो इस यूनिट के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उनके क्वालिटी, उनके फीचर्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करें।